देवबंदी मौलवी कमालुद्दीन। मेरे सवाल का जवाब दो। कल रात से मैं सवाल किए जा रहा हूं और मेरी तहरीर में सवाल दर्ज है, फिर भी अगर आपके भेजे में छोटी सी बात नहीं आ रही है तो वजाहत करता चलूं कि मेरी दो तहरीर जिसमें तुम देवबंदियों की एक किताब अश्हाबुस साकिब का नाम अश्हाबुस साकिब लिखा और दूसरी तहरीर में शहाबे साकिब लिखा हुआ है। अब तुम्हारा एतराज यह है कि मौलवी शब्बीर उर्फ शाहिर रजा को किताब का नाम तक लिखना नहीं आता। मैं ये पूछना चाहता हूं कि किताब अश्हाबुस साकिब को शहाबे साकिब लिखना क्या गलत है? अगर गलत है तो किस कानून से यह बताया जाए? और मुझे यह बताया जाए कि तुम्हारी किताब का नाम अल बराहिनुल कातिया है या बराहिने कातिया? अगर कोई इंसान बराहिने कातिया लिखे और दूसरा इंसान अल बराहिनुल कातिया लिखे तो तुम किसको गलत मानोगे और किसको सही, या दोनों को सही मानोगे? इस मसले को आप सुलझा दें, बात खत्म हो जाएगी, ताकि आपकी इल्मी हैसियत पूरे दुनिया के सामने आ जाए। आपकी इल्मी हैसियत तो हमने देख ली कि आप जो हैं अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं। जनाब शब्बीर साहब, मैंने जो एतराज़ आपके ऊपर किया था उस एतराज़ को आप भूल रहे हैं। मैंने कहा था कि आपने शायद उस किताब को देखा भी नहीं है। अगर आप उस किताब को देख लेते तो किताब का नाम जो है अश्हाबुस साकिब लिखते, इश्हाबे साकिब नहीं लिखते, क्योंकि किताब के ऊपर जो नाम दर्ज है वो अश्हाबुस साकिब है। आप जिस किताब पर एतराज़ करने आए थे, आपने उसका नाम जो किताब के ऊपर लिखा हुआ वो नहीं लिखा था, ये मेरा एतराज़ था। तो क्या आपने वही नाम लिखा था जो किताब के ऊपर दर्ज था? और अगर आपने लिखा था तो फिर आप मुझे दिखा दो कि भाई किस किताब के ऊपर जो है शिहाबे साकिब लिखा हुआ है। और अगर शिहाबे साकिब सही था तो फिर आपने बाद में अश्हाबु साकिब क्यों किया तनकीद करने के बाद? और सिर्फ एक चीज आपने अपने दावे में नहीं बदली थी, बल्कि इसके बाद आपने फराड ही फराड के लफ्ज को भी बदल दिया था। इसका भी ख्याल रखें आप, तनकीद एक नहीं थी, इसलिए आप इधर उधर ना जाएं। आपको मैंने साफ और वाज़ह अल्फाज में बता दिया है कि रफ उर्दू में अहले सुन्नत वल जमात होता है और आपके उलमा भी इसको इस्तेमाल करते हैं, इसलिए अहले सुन्नत वल जमात कहने पर तनकीद सिर्फ हमें करना यह आपके नाइंसाफी है, और एक लेने का बाट अलग और देने का बाट अलग करना है। और ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत की क्या वईद है, आप आलिम हैं, बेहतर जानते हैं। मौलवी कमालुद्दीन देवबंदी, भागने की कोशिश बिल्कुल भी ना करो। तुम्हारा एतराज यह है कि तुमको किताब का नाम भी लिखना नहीं आता। तुम्हारी किताब के ऊपर अलीफ लाम के साथ अश्हाबुस साकिब लिखा है, मैंने उसको बेगर अलीफ लाम के शहाबे साकिब लिखा, तुमने एतराज किया कि तुम्हें किताब का नाम लिखना नहीं आता। हाँ, और फिर मैंने दूसरे दावे पे अश्हाबुस साकिब लिखा तो इसको तुमने तजाद कर दिया, जबकि दोनों सही है। अगर दोनों सही नहीं है तो एक गलत है, तो किस कायदे के तहत गलत है वो कायदा बताओ। और रही बात ये कि फिर मैंने अश्हाबुस साकिब क्यों लिखा, तो दोनों लिखने का जब तरीका सही है, दोनों लिखना जब जायज है, तो हम क्यों नहीं लिख सकते?
अलिफ लाम के साथ भी लिख सकते, बेगर अलिफ लाम के साथ भी लिख सकते। अब तुमको ये जवाब देना पड़ेगा कि बेगर अलिफ लाम के नहीं लिख सकते। मुझे बताओ कि यहां पर अशहाबुस साकिब में जो अलिफ लाम है ये कौन सा अलिफ लाम है जिसको गिराया नहीं जा सकता? और तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया मौलवी कमालुद्दीन, मेरे सवाल का जवाब दो। मैंने इसी में सवाल किया है कि अगर कोई बंदा अल बराहिनुल कातिया लिखे और दूसरा बंदा बराहिन कातिया लिखे तो तुम दोनों में से किसको गलत कहोगे? अगर दोनों को सही कहोगे तो मैंने अशहाबुस साकिब लिखा, मैंने शहाब साकिब लिखा, तो तुमने इन दोनों में से एक को गलत क्यों कहा? अब मुझे ये बताओ, मैं तुम्हें सवाल कर रहा हूं कि अगर कोई बराहिन कातिया लिखे और कोई अल बराहिनुल कातिया लिखे तो क्या तुम दोनों में से एक को गलत कहोगे? क्या तुम इस सवाल को कौवा बिरयानी समझ के हजम कर गए? अब तुम ये कह रहे हो कि मेरा तनकीद सिर्फ इस पर नहीं था, तो अभी तो मैं तुम्हारे पहले तनकीद की क्लास ले रहा हूं, इसी पे तेरा पानी गुल हो रहा है। हाँ, और रही बात अहले सुन्नत व जमात की, तो इस पर भी मैं तुझे ये सबक पढ़ाना चाहता था, मैं तुझको ये सबक पढ़ाना चाहता था कि उर्फ आम में बोल दिया जाता है, अब उर्फ आम में जो बोल दिया जाता है उसको भी तू पकड़ लिया करता है, जबकि वाकई में अहले सुन्नत व जमात ही होगा, अहले सुन्नत वल जमात नहीं होगा। तो मैं यहां पे तुमको सिर्फ और सिर्फ ये सबक पढ़ाना चाहता था कि तुम अपने आप की भी खबर लिया करो कि तुम क्या बोला करते हो। बात समझ में आ रही है जनाब शब्बीर साहब? मैं आपकी वॉइस को एक दो दिन पहले की जो आई हुई सुन नहीं सका था, उस वक्त मुनाजरे में लगा हुआ था तो उधर ध्यान नहीं गया। आज जब मैं सारे ग्रुप को क्लियर कर रहा था तो मैंने आपके वॉइस को देखा है। जनाबे वाला, मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि आपकी अक्ल आपने किसी को उधार दे रखी है क्या? जब मैंने साफ और वाज़े अल्फाज में कहा कि आपको किताब का नाम भी लिखना नहीं आता, मैंने सिर्फ इतना ही नहीं कहा था, मैंने यहाँ तक कहा था कि आपने गालिबन किताब देखा भी नहीं है। अगर आप किताब देख लेते तो आपको मालूम होता कि किताब के ऊपर अशहाबुस साकिब लिखा हुआ है और आप शहाब साकिब लिख रहे हैं, उसके बावजूद आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है। मैं तो ये समझता हूँ आपको समझ में आ रही है लेकिन आपके पास कोई रास्ता नहीं है अपनी जान बचाने का, इसलिए आप जो है इसी बात पे लगे हुए हो कि दोनों में से कौन सा लफ्ज़ सही है। जनाबे वाला, लफ्ज़ पर बहस नहीं है, बहस है कि किताब के ऊपर लिखा हुआ क्या है, इस चीज़ के ऊपर बहस है। तो किताब के ऊपर जो लिखा हुआ है क्या आपने लिखा था? अगर आपने मेरे मुझे जो दावा दिया था उसके अंदर जो नाम किताब पर है वो लिखा था, तो जाहिर सी बात है कि मौलाना रयान साहब कासमी रहमतुल्लाह अलैह को जो आपने दावा लिख करके दिया था, उस दावे पर जो आपने अशहाबुस साकिब लिखा तो वो गलत होगा। तो अब दोनों किताब का जो नाम है एक ही है, किताब के ऊपर एक ही नाम लिखा हुआ है, लेकिन आप दो तरह के नाम लिख रहे हो एक ही किताब का, तो ये आपका तजाद है कि नहीं? लफ्ज़ के सही होने या गलत होने का यहाँ पर कोई जो है वो बहस नहीं है, उस चीज़ की कोई बहस यहाँ नहीं है कि लफ्ज़ कौन सा सही है। बहस यहाँ पर यह है कि किताब के ऊपर लिखा हुआ क्या है। देवबंदी मौलवी कमालुद्दीन कौवा खानी, देव की दीवानी, आपने मेरी ऑडियो सुना और फिर आपने उसका जवाब जो ना तमाम है देने की कोशिश की और ये सफाई देने लगे कि मैंने आपकी ऑडियो सुनी नहीं थी, आप मुनाजरा में मशगूल थे। चलो भाई, इतनी बात तो साबित हो गई आपकी ऑडियो से, क्योंकि आप कहते हैं कि आप गैर आलिम हैं,
तो ये बात दलील के तौर पर सामने आई कि देवबंदियों ने गैर आलिम को अपना मुनाजिर बना करके पेश कर दिया है। अच्छा, दूसरी बात, तुम मेरे अक्ल पर तनकीद कर रहे हो। तो मौलवी साहब, मैं आपको बताता चलूं, मेरे पास अक्ल भी है और वो मेरे ही पास है, मगर तुम अपने अक्ल का इलाज करो। मुझे लगता है तुम दिमागी तवाजुन खो चुके हो, तुम्हें जो है ऐसे फलों की ज़रूरत है खाने की जो तुम्हारे दिमाग का इलाज कर दे, या किसी पागल खाने में जाने की ज़रूरत है जो आपका इलाज करवा दे, क्योंकि आप दिल के भी मरीज हो और दिमाग के भी मरीज हो। आपको बात समझ में नहीं आ रही है और तनकीद शाही रजा पर किए जा रहे हो, ये मैं नहीं समझ रहा हूं। तुमने तनकीद किया शहाबे साकिब के लिखने में और तजाद बयान किया कि मैंने एक दावे पे शहाबे साकिब लिखा और एक दावे पे अशहाबु साकिब लिखा किताब का नाम। तुमने मुझ मेरा ये तजाद बयान कर दिया, जबकि मैं आज भी कहता हूं कि अशहाबु साकिब लिखना भी सही और शहाबे साकिब लिखना भी सही। तुम तो मान रहे हो मगर खुल के नहीं मान रहे हो, और मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, तुम शहाबे साकिब को गलत साबित कर दो। इस बिना पर मैंने तुमसे सवाल किया था कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी किताब अशहाबु साकिब के अंदर में जो अलीफ लाम है, क्या उसको गिरा करके नहीं लिखा जा सकता? क्या उस अलीफ लाम के बगैर शहाबे साकिब नाम लिखना गलत है? तुमने आज तक इसका जवाब नहीं दिया, कौवा बिरयानी समझ के खा गए इसको। अच्छा जी, तुमने ये कहा कि तुमने किताब नहीं देखा। मौलवी साहब, हवाई फायरिंग नहीं चलती यहां, अल्लाह का करम है, शाहिर रजा ने तुम्हारे मौलवी हुसैन अहमद टांडवी की इस किताब को पढ़ा भी है, पढ़कर के समझा भी है, इसीलिए देवबंदियों से इस किताब पर मुनाजरा के लिए तैयार भी रहता है। बात समझ में आ गई? अब आते हैं तीसरी तरफ कि इस किताब में क्या लिखा हुआ है। तो इस किताब में अशहाबु साकिब अलीफ लाम के साथ लिखा है, मैंने बेगर अलीफ लाम के लिखा, तो गलत क्या लिखा? गलत लिखा तो कैसे गलत है ये, वो साबित करो दलील के साथ। इसलिए मैंने सवाल किया था कि अगर कोई अलबराहिनुल कातिया लिखे और कोई बराही ने कातिया लिखे, दोनों को सही मानोगे या एक को सही मानोगे? तुमने इसका कोई जवाब नहीं दिया। और सुनो, मैं फिर कहता हूं, अशहाबु साकिब भी सही और शहाबे साकिब भी सही, अगर तुम गलत कहते हो तो इसको दलील से साबित करो। और मैं तुम्हें यह बात बताता चलूं, तुम अपने घर की किताब देख लेना जो खलील अहमद अंबेठवी की है, उस किताब के शुरू में लिखा मिलेगा अल बराहिनुल कातिया अलीफ लाम के साथ। अब मुझे बताओ कि अगर मैं तुम्हारे घर से अलीफ लाम के बगैर बराहिने कातिया दिखा दिया, तो क्या तुम बराहिने कातिया लिखने वाले को जाहिले मुतलक मानोगे? जनाबे वाला, बहस लफ्ज के ऊपर नहीं थी, बहस ये थी कि किताब के ऊपर नाम क्या है। आपको शायद के याद नहीं है, वैसे भी आपकी याददाश्त बहुत ही कमजोर है। सिर्फ इतनी सी बात नहीं थी, बल्कि बात यहाँ तक थी कि मैंने साफ तौर पर कहा था कि आपने किताब को लगता है कभी पढ़ा भी नहीं है, वरना आपको मालूम होता कि किताब के ऊपर क्या नाम लिखा हुआ है। तो जनाब, यहाँ पर बात यह थी कि किताब के ऊपर लिखा हुआ नाम कौन सा है, शहाबे साकिब लिखा हुआ है या अशहाबु साकिब लिखा हुआ है? अच्छा मौलवी कमालुद्दीन देवबंदी कौवा खानी देव की दीवानी साहब,
फिर वही रट कि किताब के ऊपर नाम क्या लिखा हुआ है। मैं तुम्हें बताता चलूं, किताब के अंदर में अश्हाबुस साकिब नाम लिखा हुआ है, और फिर मैं तुमसे सवाल करता हूं किताब में इस अश्हाबुस साकिब नाम लिखा है, लेकिन मैंने शहाबे साकिब लिखा तो गलत क्या किया? और फिर मैं तुम्हें बताता चलूं कि मैंने इस किताब को सिर्फ देखा ही नहीं, पढ़ा भी है। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें एक बात क्लियर करता चलूं, तुम यही बात पकड़ के झुनझुना बजाते चले जा रहे हो कि किताब के ऊपर में अश्हाबुस साकिब लिखा हुआ है, तुमने शहाबे साकिब लिखा, ये गलत किया। तो तुम्हारे उसूल से मैं कहता हूं, तुम्हारी किताब में अलबराहिनुल कातिया लिखा हुआ है, और तेरा मौलवी मंजूर मेंगल पाकिस्तानी तोहफतुल मुनाजिर के अंदर लिखता है, क्या लिखता है? बराहिने कातिया। अब बता, तू मंजूर मेंगल देवबंदी कौवा खानी देव की दीवानी को क्या कहता है? जनाबे वाला, ये मिलाद आप जो है ना अपने जाकर के किसी और जो लोग हैं आपके जो मुरीद हैं उनको जाकर सुनाएं, मेरे सामने मिलाद सुनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बात रही ये कि आपने सवाल पूछा था कि कोई अलबराहिनुल कातिया कहे कोई बराहिने कातिया कहे, तो दोनों में से कौन सा सही है? जनाबे वाला, अगर कोई किताब का नाम लिख रहा है और किताब के नाम लिखने के वक्त जो नाम किताब के ऊपर लिखा हुआ है उसको ना लिखने की जगह दूसरी जगह लिख रहा है, तो जाहिर सी बात है उस पर एतराज़ किया जा सकता है। और अगर नहीं किया जा सकता तो क्यों नहीं किया जा सकता, किस उसूल से नहीं किया जा सकता, आप उसको बताएं। बहस यहाँ पर लफ्ज की नहीं है, बहस इस बात की है कि किताब का नाम क्या है। मौलवी कमालुद्दीन देवबंदी कौवा खानी देव की दीवानी साहब, आप तो बड़ी बुरी तरीके से फंस गए। तुमने ये ऐलान कर दिया कि किताब के ऊपर जो नाम लिखा हुआ है, अगर कोई वो नाम ना लिखे तो एतराज़ तो बनता ही है। अच्छा, यहाँ पे तुमने एक शकिया जुमला इस्तेमाल किया है, एतराज़ तो किया जा सकता ही है। अब शकिया जुमला नहीं, आप ये कहो कि एतराज़ तो बनता ही है। अब मैंने मंजूर मेंगल का नाम बता दिया है, अभी तो हमारे पास बहुत सारी दलीलें हैं। इलियास घुम्मन भी फंसेगा तेरे उसूल से। अब तो एतराज मंजूर मेंगल पर कर, जिसने अलबराहिनुल कातिया का नाम सिर्फ बराहिने कातिया बेगर अलिफ लाम के लिखा, एतराज कर। और जो तनकीद तुमने मेरे ऊपर किया था अपने मौलवी पे कर, ठीक है। अच्छा रही बात मिलाद की, तो मिलाद मुझे मत सुनाया करो, तुमने ये कहा ना, तो मिलाद सुनना सुनाना ये सुन्नियों का काम है, वहाबियों का काम थोड़ी है। मिलाद सुनना सुनाना वहाबियों का काम थोड़ी है। अल्लाह का करम है, हमें मिलाद से प्यार है, मिलाद सुनते भी हैं, मिलाद सुनाते भी हैं, लेकिन हम यहां पर मिलाद नहीं तुम्हारा ऑपरेशन कर रहे हैं। अब तुम अगर अपने ऑपरेशन से परेशान हो जाओ तो फिर तुम ठीक कैसे होगे? तुम बीमार हो, तुम्हारा इलाज कर रहे हैं हम। और मौलवी कमालुद्दीन देवबंदी, तुम्हारे माजूर दिमाग के लिए मैं एक छोटा सा इलाज के तौर पे दवाई दे रहा हूँ, शायद कि तेरा इलाज हो जाए। अस्सहीहुल बुखारी, और सिर्फ कोई कहे सही बुखारी, दोनों सही है या एक सही है? और मुझे बताओ कि किताब का नाम अस्सहीहुल बुखारी है या सही बुखारी। अब जो तुम बताओगे उसके खिलाफ मैं तुम्हारे घर से दलील पेश करूंगा, इंशाअल्लाह ये टबलेट तुम्हारे लिए बहुत काम आएगा। मौलवी कमालुद्दीन देवबंदी दरभंगी कौवा खानी देव की दीवानी, ये मैंने तुम्हारे
लिए कुछ इंतज़ाम कर दिया है। अलबराहिनुल कातिया, अगर आँख की बिनाई ख़त्म ना हुई हो तो थोड़ा गौर से देख लेना, और फिर तोहफतुल मुनाजिर को देख लेना, और अपना कमेंट्स मौलवी मंजूर मेंगल देवबंदी के ताल्लुक से ज़रूर बताना। क्या इसने भी तेरे उसूल के मुताबिक बचकानी हरकत की है? अभी तो बहुत कुछ है।